नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। पत्थर खदान के ब्लास्टिंग मटेरियल में हुआ धमाका, पेलोडी का एक बच्चा हुआ घायल। फिलहाल दुर्गापुर में चल रहा है बच्चे का इलाज, वेलफेयर सोसाइटी ने की कार्रवाई की मांग। चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है जिला प्रशासन। तैयारियों का प्रारूप तय करने को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन की हुई संयुक्त बैठक। DC SP समेत जिले भर के कई वरीय अधिकारी रहे इस बैठक में मौजूद। बहुचक्रीय खेती का लाभ उठा रहे हैं डुमरी के किसान। BTM मुकेश का प्रयास ला रहा है रंग। तत्काल चने की खेती कर उत्साह से भरा दिख रहा है किसानों का परिवार। और कला संगम के नाट्य महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखेर रहे हैं अपनी कला का जादू। महोत्सव के दूसरे दिन भी देर शाम तक चलता रहा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति। SP समेत कई गणमान्य लोगों ने की कार्यक्रम की सराहना। अब खबर विस्तार से। तेलोडी में माइंस के ब्लास्टिक मटेरियल से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चा का इलाज फिलहाल दुर्गापुर में चल रहा है। तेलोडी के समीप संचालित पत्थर खदान के ब्लास्टिंग मटेरियल से एक बच्चा घायल हो गया है। बताया गया कि स्कूल के कुछ बच्चे माइंस की ओर चले गए थे, वहां से पत्थर ब्लास्ट करने वाले मटेरियल का टुकड़ा उठाकर घर ले आए थे। इसी दौरान किसी कारणवश इन सामग्रियों में धमाका हो गया और एक बच्चा आंशिक रूप से घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे का प्राथमिक उपचार कराया गया। बाद में माइंस ऑनर के सहयोग से उसका इलाज फिलवक्त दुर्गापुर में कराया जा रहा है। वेलफेयर सोसाइटी के लोग इस मामले में जांच पड़ताल की मांग की है, साथ ही प्रशासन से उचित कार्यवाही का आग्रह भी किया है। जिसके चलते हम लोग कुछ दिन पहले भी इसको आवाज़ उठाए थे कि इसको बंद किया जाए, लेकिन बंद करके नहीं, जो ब्लास्टिंग का जो सामान है आग नियंत्रित करके इधर से उधर रखने का काम करता है और फेंक इधर उधर फेंक देता है। इसी क्रम में बच्चे लोग खेलने के कारण से लगभग 4 या 5 बजे के समय में बच्चा खेलते खेलते किसी तरह का वो विस्फोटक सामान खदान के पर विस्फोटक लापरवाही से फेंका हुआ था और उसको वो उठा के अपने घर पास ले आए और खेल खेल में भूलवश विस्फोट हो गया और जिसके कारण बच्चा कादिर अंसारी, बाप का नाम इजहार अंसारी, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि तेलोडी में जो माइंस के जो संचालक हैं वो बेहद लापरवाह हैं और वो हमारे ग्रामीणों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और हो सकता है यही ये लापरवाही किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। आज वो बच्चा अभी भी खतरा से बाहर नहीं है, कल हो सकता है कि उस बच्चा। समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की एक बैठक की गई। मौके पर DC SP सहित कई अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। इसी कड़ी में शनिवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक और SP सुरेंद्र कुमार झा के संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक में प्रशिक्षु IAS प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IPS नाथो सिंह मीना, निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार दास, SDPO जीत भानु राव, डुमरिया SDPO नीरज सिंह, सरिया SDPO विनोद महतो, DSP संतोष मिश्रा, VDO विभूति कुमार समेत जिले भर के कई जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में दिशा निर्देश को लेकर यह बैठक की गई और आवश्यक प्रारूप तैयार किए गए। करना ही है तो साथ काम करते हैं हम लोग। मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, रेंट के अलावा आपको टॉयलेट फैसिलिटी भी देना है। टॉयलेट फैसिलिटी देने के लिए अब कोई इशू नहीं है कि हम लोग तो
कल के विसी ने जिला से ये प्रश्न कर दिया गया कि आपके पास जो टॉयलेट के फोटोग्राफ्स है कि नहीं, तो ये भेज के फोटोग्राफ्स रखे अपने पास कि साहब हमारे पास इतने मतदान केंद्र है, इतने में हमारा टॉयलेट है और इतना नहीं है, तो आप हमको मंगल तक सूची आप दे दे, हम लोग उसको एक अभियान के तहत उसका कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। फंड है आप कहीं से निकाल के उसको हम लोग दे सकते हैं, टाइट फंड तो दे सकते हैं। निर्वाचन शाखा का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को समाप्त हो गया। इस दौरान ईवीएम वीवीपीएटी काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का प्रशिक्षण दिया गया। नगर भवन में आयोजित निर्वाचन शाखा का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को समाप्त हो गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर जिला स्तरीय ईवीएम वीवीपीएटी काउंटिंग एवं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर यह प्रशिक्षण आयोजित था। इस प्रशिक्षण में चतरा से आए जामुन रविदास, रामगढ़ से आए भोला शंकर आदि ने प्रशिक्षण दिया। बताया गया कि आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर पहले दिन बगोदर, जमुआ और धनवार के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं दूसरे दिन गिरिडीह, गांडे और डुमरी से आई 15 टीमों में शामिल BDO CO समेत कई कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रभारी पदाधिकारी अभिनव सिन्हा भी मौजूद रहे। अब ये हमारा गाड़ी में ढीला भी हो सकता है, कट भी सकता है, फट भी सकता है, ठीक है। अगर रिसीव के समय में या देख लीजिएगा कि यह मेरा वर्टिकल है या ओरिजेंटल है। मेन रीजन ये है कि अगर ये मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको सील्ड मिलेगा ऐसा, ये जब भी इसको गांठ बांध लीजिए कि ये जब भी मूव होगा ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा। कारण हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहने के पीछे रीजन ये रहता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा ये मूव नहीं करेगा, ये एकदम लॉक हो गया, ठीक है। अगर भूल बस अगर आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल छोड़ दिए एज फॉर एग्जाम्पल, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड लेवल के पदाधिकारी, कर्मीगण, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज, जैसे कि 8 तारीख को हम लोग बगोदर, धनवार और जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जो भी मास्टर ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग रखे थे, आज यानी कि 9 तारीख को गांडे, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग की जा रही है। इसी प्रकार से 12 और 13 तारीख को भी आगामी जो फरवरी माह में जो ट्रेनिंग होगी वो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन के दिन क्या क्या किया जाना है, पोलिंग पार्टी या पोलिंग स्टेशन मैनेजमेंट इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा 12 और 13 को। तो हमारे स्टेट लेवल के जो मास्टर ट्रेनर हैं, जो रामगढ़ और चतरा जिला में सर्कल ऑफिसर हैं, वो यहाँ आकर ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रशिक्षण को संग ट्रेनिंग को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। डुमरी के किसानों को 12 मास खेती करने की सौगात मिल गई है। वहां BTM मुकेश कुमार के प्रयास से राइस फैलो योजना का लाभ भारी संख्या में किसानों को मिल रहा है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के सिमराडी एवं जोलहाड़ी गांव के किसानों में अब खेती के प्रति रुचि लगातार बढ़ती जा रही है और इस रुचि को बरकरार रखने के लिए डुमरी के BTM मुकेश कुमार ने किसानों को मुफ्त में चना का बीज देकर कृषि के और किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए सफल प्रयास किया है, जिसके कारण आज खेतों में पटवन हेतु पानी की चिंता किए बिना लगभग 50 से 70 एकड़ में यहां के किसान चना की खेती लगाए हैं। हालांकि पटवन हेतु किसानों द्वारा पंप सेट लगाकर अपने अपने घरों के कुएं से खेतों तक पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। खेतों में लगे चने की खेती के बारे महिला कृषक सोमरी देवी कहती है कि हम सभी मिलकर अपने खेतों में चना लगाए हैं, जिसे बेचकर हम लोग पैसे कमाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में रोजगार का कोई साधन नहीं है। बताती है कि चना की खेती के लिए हम लोगों को कृषि विभाग द्वारा मुफ्त में बीज उपलब्ध कराया गया है। चना लगे करीब 50-60 एकड़ में,
तो गांव ला मिलके करबो बेचे लगबो सब हरियाली तो सबके खुशी लग रहल है हमें लगे ले ये बूट है सब कोई मिल के 50 एकड़ okay. हां फ्री मिलल अगर बेचबो पैसा कमाइबो पैसा तने भेज को किसान के अच्छा रहतो और अकरे हमने रोहोई वहीं इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य विवेक कुमार का कहना है कि यहां की हरियाली देखकर इन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। इसका सारा श्रेय डुमरी बीटीएम मुकेश कुमार को जाता है क्योंकि इन्होंने किसानों में कृषि के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मुफ्त चना का बीज देकर समय समय पर खुद खेत में आकर सफल खेती हेतु किसानों को प्रशिक्षित किया जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और इसका सारा सहयोग हम बीटीएम जो डुमरी है उनको देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे डुमरी पंचायत को गोद लेके इसमें मुफ्त में चना का बीज को उपलब्ध कराया और डुमरी पंचायत अंतर्गत 50-60 एकड़ अभी जो हमारा लहला रहा है ये बीटीएम साहब का देन है। इसके बीटीएम साहब के द्वारा इस चना लगने के बाद एक और योजना दिया गया राइस फेलो योजना। इसमें प्रति हेक्टेयर में 1800 रुपये किसानों को दिया जाएगा किसान राशि मिलेगी। बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार फिर इसके इस फसल के बाद अगर और भी बीज अगर हम लोग को उपलब्ध कराया जाए तो हम लोग हमेशा यहाँ डुमरी क्षेत्र को हरियाली से पूर्ण रखेंगे। वहीं यहाँ के किसानों की मेहनत को देखते हुए बीटीएम मुकेश कुमार ने राइस फेलो योजना का लाभ देने की बात कही जिसमें प्रत्येक किसान को उनके बैंक खातों में प्रति एकड़ 1800 रुपए कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं चना की खेती समाप्त होने के बाद इन किसानों के बीच गर्मा मूंग का बीज पुनः मुफ्त में उपलब्ध बीटीएम डुमरी द्वारा करवाया जाएगा ताकि किसान अपने खेत में बहुचक्रीय खेती कर आमदनी बढ़ा सके। इधर बीटीएम का कहना है कि हमें कृषि को बढ़ावा देना है इसके लिए हम किसानों को कृषि के प्रति हमेशा जागरूक करते आ रहे हैं तथा हमने मुफ्त में बीज देकर किसानों को खेती करने के लिए प्रेरित किया है तथा समय समय पर हम खुद किसानों के खेतों में आकर किसानों को उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षित किया करते हैं जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। अगर किसान 12 महीने खेती करे तो उनकी आर्थिक विपन्नता स्वयं समाप्त हो जाएगी बशर्ते किसानों में कृषि के प्रति इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखिए यहाँ खेत में खड़े हैं ये हमारा डुमरी पंचायत डुमरी प्रखंड का एक पंचायत है डुमरी पंचायत और डुमरी पंचायत के इस सिमराडी गांव में हम लोग इससे पहले हमने जोल्हाडी विजिट किया था। आप यहां घुमाकर अपने कैमरे को दिखाइए एक बार चारों साइड में हमारा करीबन 50-60 एकड़ में चना लगा हुआ है। हमारे किसान भाई भी साथ में हैं और ये सारा चना हमारे कृषि विभाग की तरफ से हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करवाया किसानों के बीच में और इनको तकनीक की जानकारी दी कि कैसे इन लोगों को खेती करना है ताकि चना देखिए ऐसा है ना कि चना में जो हम लोगों ने डेमोंस्ट्रेशन किया है वो एक्चुअली में होता क्या है कि चना को सूखना है और चना निकालना है सूखा चना को क्रॉप कटिंग के माध्यम से लेकिन क्या होता है कि किसान इसे जिसको झंगरी बोलते हैं हरा हरा में ही काट कर बेचते हैं। देखिए किसानों की गलती यहाँ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें किसानों को हर हालत में पैसा चाहिए और किसान अगर जिस टेक्निक को भी यूज़ करते हैं जिस तरीके को भी यूज़ करते हैं अगर इन्हें हरा चना बेचकर ही नगद पैसे का भुगतान किया जा रहा है या नगद पैसा मिल रहा है तो स्वावलंबी बनने के लिए और दो पैसा कमाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो हमारा सहयोग यही है कि हमारे किसान भाई जिन्होंने ये 50-60 एकड़ पूरे एरिया में चना लगाया है इसमें अभी इन लोगों को बीज हमने कृषि विभाग की तरफ से फ्री में मुहैया कराया है। पुराने एक्सपायर निडल व सिरिंज की भारी संख्या सदर अस्पताल के एक बंद कमरे से शनिवार को बरामद की गई। वहीं सीएस ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया। गिरिडीह सदर अस्पताल के एक बंद कमरे से शनिवार को एक्सपायर निडल सिरिंज सहित अन्य दवाओं की एक बड़ी संख्या पाई गई। बताया गया कि ये सारे निडल सिरिंज एक्सपायर हो चुके हैं और विगत कई सालों से इस कमरे में रखे हुए थे। बिना उपयोग में लाए इन दवाओं का बर्बाद होना कई सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर यह दवाएं किनकी लापरवाही की वजह से बर्बाद हुई? निडल सिरिंज की इतनी बड़ी संख्याओं का आखिर उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? इसी तरह के कई सवालों के जवाब पाने के लिए जब पत्रकारों ने गिरिडीह सदर अस्पताल के CS रामरेखा प्रसाद से बात की तो उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।
यह दवाएं काफी पुरानी है और किस वजह से किसने और क्यों यहां पर रखा था उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ फेंका है, हमको तो नहीं पता है। आपको नहीं पता कहाँ फेंका है, आपको नहीं पता है तो सच्ची बात है। सही पता रहेगा तब ना हम बताएं। चलिए बॉस को जानकारी इस बात का नहीं है। दवा खाना तो दवा खत्म हो रहा है, कब तक आएगा? आ गया है ये शायद। हाँ मिला। ब्रेक के बाद अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बीएनएस डीएवी विद्यालय में शनिवार को क्रीड़ा भारती के द्वारा सूर्य नमस्कार अभ्यास शिविर लगाया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। क्रीड़ा भारती की ओर से लगातार विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों में सूर्य नमस्कार को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को बीएनएस डीएवी विद्यालय में सूर्य नमस्कार अभ्यास का शिविर लगाया गया। मौके पर क्रीड़ा भारती के कार्यकारी सदस्य सुधीर आनंद, प्रशिक्षक सत्यम कुमार, कौशल कुमार, विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल योगेश्वर शर्मा, फिजिकल टीचर एस के पटनायक, शिक्षक बी के सिंह, नवीन मिश्रा, रोहित पाठक आदि मौजूद रहे। यहां बच्चों को 12 मुद्राओं वाले सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरे जोश के साथ कराया गया। बताया गया कि यह योगासन साधक को निरोग और स्वस्थ रखकर तेजस्वी बनाता है। सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, इसलिए योगासनों में सूर्य नमस्कार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नमस्कार अकेले एक ऐसा योग है जिसमें सभी प्रकार के प्राणायाम शामिल हैं और स्वस्थ रहने के लिए सभी व्यक्ति को निरंतर सूर्य नमस्कार करते रहना चाहिए। जो निरंतर सूर्य नमस्कार करता है वो सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त हो जाता है। हमारे बच्चों ने बड़े ही तन्मयता के साथ इसमें भाग लिया और इसके उपयोग को सीखा। जिला प्रशासन की तरफ से शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। मौके पर पदाधिकारियों समेत कई स्कूली बच्चे मौजूद रहे। 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह गिरिडीह में पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से इसको लेकर अभियान छेड़ा गया है। इस कड़ी में शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से शहर में रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। इस रन फॉर सेफ्टी को उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, शिक्षक मुन्ना कुशवाहा समेत अन्य पदाधिकारी व भारी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। बताया गया कि सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान छेड़ा गया है। इस क्रम में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर लगा लगा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षा जागरूकता को लेकर इस बार रन फॉर सेफ्टी आयोजित की गई है। वो सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये हुआ कार्यक्रम। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का छठा दिन है, जिसमें से रन फॉर सेफ्टी मतलब का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे भाग लिए। इसका उद्देश्य है लोगों में मतलब जागरूकता अभियान चलाना, ताकि वो देख के ये समझें कि हेलमेट लगाना कितना आवश्यक है जीवन रक्षा के लिए, और बच्चे को ये बताएं कि हेलमेट लगा के जरूर चलें, अपने भी खुद वो हेलमेट लगाएं और ट्रिपल राइडिंग भी नहीं चलें, तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से बहुत हद तक मतलब सड़क ये उनकी जान जोखिम में बच सकता है। तो इसका उद्देश्य यही है। ये अगले ये परसों तक कल तक कार्यक्रम चलेगा, इस सप्ताह का कार्यक्रम है 10 तारीख। पुराने पुल के निर्माण में विलंब होने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। बताया गया कि अति आवश्यक इस पुल के निर्माण में विलंब होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरगंडा से सिरसिया की ओर जाने वाले पुराने पुल का पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास विगत 3 माह पूर्व ही कर दिया गया था। साथ ही संवेदक को कार्यभार भी सौंप दिया गया।
बावजूद इसके निर्माण में विलम्ब हो रही है। कछुए की चाल की मानिंद इसका निर्माण कार्य होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया कि अति आवश्यक इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए गिरिडीह सांसद और विधायक ने काफी मेहनत की थी, जिससे लग रहा था कि एक वर्ष के भीतर पुराना पुल अपने नए अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन संवेदक के कार्य निर्माण में विलम्ब करने से एक वर्ष की समय सीमा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे लोगों को इसके निर्माण के लिए अभी और परीक्षा व कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और 3 महीना शिलान्यास के हो चला, लेकिन अभी तक कार्य भी चालू नहीं हुआ है, और मशीन देखिए 15 दिन से पड़ा हुआ है। ये रोड का जो उद्घाटन किए थे विधायक जी, उससे हम लोग इतना उत्साहित हो गए थे कि हम लोग का जल्दी से बन जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसे संवेदक कौन सा संवेदक को काम मिल गया, जो बहुत ज्यादा दिक्कत है पब्लिक को, लिखना का क्या, बहुत ज्यादा पब्लिक को दिक्कत है। जल्दी से जल्दी आप लोग रिक्वेस्ट है कि चालू करवाने की कृपा करें। जो संवेदक काम चालू अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अब तो बरसात घुस जाएगा आने वाला 3 महीने के बाद, फिर क्या काम चालू होगा? ये तो बरसात ना रहने पर भी काम चालू कर सकते थे। तो एग्रीमेंट किया कि नहीं किया, इसको डिबार किया जाए, अच्छा संवेदक को काम दिया ही नहीं जाए। जो संवेदक समय पर कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, काम आरंभ नहीं करते हैं कार्य समय पर, उस वैसे संवेदक को काम क्यों आप आवंटित कर। इस बाबत पूर्व नप अध्यक्ष सह जेएमएम नेता दिनेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और संबंधित विभाग व संवेदक के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुल बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था, जिससे शहरी क्षेत्र के आधा भाग का आना जाना था, और उससे पूरे मधुपुर एरिया, यहाँ मैसमुंडा आसपास के तमाम गाय सिसिया सीओडी बेरगी सभी को मुख्य मार्ग वही था जिससे लोग आना जाना था। बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई, ब्लॉक जाने में कठिनाई, इसी को देखते हुए हमने लगातार जिला प्रशासन से मांग की अविलंब कार्रवाई करा इस पुल का निर्माण हो। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकार को लिखा, सरकार के माध्यम से टेंडर हो गया, संवेदक नियुक्त हो गया, लेकिन संवेदक का कार्य इतना स्लो है कि अभी तक पिछले 3 माह हो गया शिलान्यास किए हुए, अभी तक कार्य नहीं पूरा आरम्भ किया गया है। मैं गिरिडीह जिला प्रशासन से मांग करता हूँ अविलंब उसका संवेदक पर कार्रवाई करते हुए पुल का कार्य को अविलंब चालू करें, ताकि वहाँ का आम जनता को इससे राहत मिल पाए, क्योंकि लगातार परेशानी झेलना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में, ब्लॉक जाने में, उन क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में आने में कठिनाई हो रही है। तो ये सब बहुत ही बड़ा दुखद बात है कि 3-3 माह हो जाता है शिलान्यास किए हुए और संवेदक के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं गिरिडीह उपायुक्त से मांग करता हूं कि विलम्ब उस संवेदक पर कार्रवाई करें, ताकि वो कार्य वहां आरंभ हो सके, वहां का जनमानस को। कला संगम के बैनर तले आयोजित नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार शाम को विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी जादुई कला का जादू बिखेरा। मौके पर SP सुरेंद्र झा समेत कई गणमान्य लोग इनकी कला देख हतप्रभ रह गए। मकतपुर स्थित मोती सिनेमा हॉल में इन दिनों सुरमई छटा बिखर रही है। माहौल उत्साह से भरा हुआ है और रह रहकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। जी हाँ, यहाँ जिले की प्रखर सांस्कृतिक संस्था कला संगम के बैनर तले राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कलाकार पहुंचकर अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। शुक्रवार शाम भी यहाँ के मंच पर लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और नाटकों का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। मौके पर बतौर अतिथि SP सुरेंद्र कुमार झा शरीक हुए थे, जबकि कार्यक्रम के सफल संचालन में संस्था के सचिव सतीश कुंदन, राजकुमार सिंह, अंजनी सिन्हा, नीतीश आनंद, मुन्ना आदि लगे हुए थे। Thank you.
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा द्वारा संपादित कला संगम की पत्रिका सर्जना का भी विमोचन किया गया। पत्थर खदान के ब्लास्टिंग मटेरियल में हुआ धमाका, तेलोडी का एक बच्चा हुआ घायल। फिलहाल दुर्गापुर में चल रहा है बच्चे का इलाज। वेलफेयर सोसाइटी ने की कार्रवाई की मांग। चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है जिला प्रशासन। तैयारियों का प्रारूप तय करने को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन की हुई संयुक्त बैठक। DCSP समेत जिले भर के कई वरीय अधिकारी रहे इस बैठक में मौजूद। बहुचक्रीय खेती का लाभ उठा रहे हैं डुमरी के किसान। BTM मुकेश का प्रयास ला रहा है रंग। तत्काल चने की खेती कर उत्साह से भरा दिख रहा है किसानों का परिवार। और कला संगम के नाट्य महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखेर रहे हैं अपनी कला का जादू। महोत्सव के दूसरे दिन भी देर शाम तक चलता रहा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति। SP समेत कई गणमान्य लोगों ने की कार्यक्रम की सराहना। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।